मुंबई के मीरा रोड में टी राजा सिंह निकालेंगे शोभा यात्रा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अनुमति। राजा सिंह अपनी रैली के दौरान नहीं कर सकेंगे भड़काऊ भाषण, साथ ही पूरी शोभा यात्रा की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। वसई के एवोशाइन इलाके में चला मनपा का बुलडोजर, कई अवैध दुकानों पर हुई तोड़क कार्रवाई। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 में से 42 सीटें जीतेगी महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस का दावा। डोंबिवली में दर्दनाक घटना, रील बनाने के बाद युवक ने पुल से लगाई छलांग। धरावी पुलिस दुष्कर्म से पहले किडनैपर के चंगुल से 5 साल की बच्ची को छुड़ाने में रही कामयाब, धरावी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बिहारी अपहरणकर्ता गोवंटी से गिरफ्तार। अमित ठाकरे ने दिया लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत, कहा राज ठाकरे ने आदेश दिया तो जीत कर आऊंगा, पुणे लोकसभा सीट के सवाल पर अमित ठाकरे का जवाब। बरामती में सक्रिय हुई सुनीत्रा पवार, चुनावी मैदान में होंगी ननद भाभी की लड़ाई, बरामती में मेरे जैसी तगड़ी उम्मीदवार उतारो सुप्रिया सुले का चैलेंज। छगन भुजबल ओबीसी पर कलंक है, जोरांगे पाटिल का बड़ा हमला। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन, मुंबई के पीडी इंदुजा अस्पताल में ली अंतिम सांस, अंतिम संस्कार में ठाकरे पवार सहित कई दिग्गज हुए शामिल। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का उप शहर प्रमुख संकेत भोसले हत्या के आरोप में अरेस्ट, नाबालिग की पिटाई के बाद भिवंडी में हुई थी मौत। ड्राइवर और कूली मिलकर करते थे चोरी, थाने पुलिस ने 3 लोगों को किया अरेस्ट। बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, ठाकरे सरकार के दौरान बुलेट ट्रेन परियोजना हो गई थी धीमी, अश्विनी वैष्णव का आरोप। माई मराठी महोत्सव की मुंबई में धूम, एग्जीबिशन में शामिल हुए बीसीसीएल के वीडीएमडी समीर जी। मुंबई में पैसेंजर्स को फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया, यात्रियों ने एयरलाइंस कंपनी के एलएन पर लगाया भेदभाव का आरोप। ट्रैफिक पुलिस बने चोरों ने की वाहन चेकिंग, बाइक छीनकर बोले कागजात लेकर थाने आ जाना, अकोला पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए विपक्ष गुजरात को महानंदा सौंपने का कर रहा है दावा, अजीत पवार का बयान। मुंबई से आए कपड़ा व्यापारी की यूपी में गोली मारकर हत्या, दाऊद इब्राहिम का बताया जा रहा रिश्तेदार। 13 मार्च के बाद हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान, 7 से 8 चरणों में होगा मतदान। मुंबई में 28 फरवरी से बंद हो जाएगी ब्रिटिश काल का सायन रोड ओवर ब्रिज, मध्य रेलवे इस पुराने ब्रिज को तोड़ के फिर बनाएगी। शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं ठाकरे गुट के विधायक रविंद्र वाइकर, संजय सरसाठ की भविष्यवाणी। पुणे में पीएसजी स्कॉलर ने बनाई कई हजार करोड़ की ड्रग्स, लंदन समेत 5 शहरों में हुई सप्लाई। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक राजेंद्र पाटनी का निधन, लंबे समय से थे बीमार। मुंबई में आज सोने के दामों में गिरावट, सोना 62,730 रुपए तोला। पालघर में वधवान बंदरगाह के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने किया रास्ता रोको प्रदर्शन, राजमार्ग पर यातायात घंटों रहा प्रभावित।